Hello, students, again welcome to my YouTube channel Biology City. जो लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक माय वीडियो हम लोग स्टडी कर रहे हैं क्लास ट्वेल्थ का चैप्टर प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन इस चैप्टर के हमारे लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं जिन्होंने अभी तक वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं आप चैनल के प्लेस्ट जाकर देख सकते हैं प्लेस का नाम है ना क्लास ट्वेल्थ इस प्ले में आपको सिर्फ क्लास ट्वेल्थ के चैप्टर्स के ही मिलेंगे एज एज वेल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लेक्चर्स का लिंक दिया गया है आज के इस लेक्चर में हम लोग लेर टाइप ऑफ म्यूटेशन को स्टडी करेंगे दैट इज पॉइंट म्यूटेशन और

जैसे कि हमने बोला था कि जो इंग्लिश में अल्फाबेट्स हैं वो 26 सिक्स अल्फाबेट्स हैं ए टू जेड आप कहीं पे भी ऑल ओवर द दर्ल्ड चले जाओ अगर इंग्लिश में कोई भी चीज लिखी हुई है रिटर्न है तो वही 26 सिक्स अल्फाबेट्स को आगे पीछे कैसे भी यूज करके रिपीट करके आपका सेंटेंस बनता है या स्पेलिंग बनती है किसी भी वर्ड की सिमिलरली जो जीन होते हैं जो डीएनए है आपका चार तरह के न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ है तो उसको भी अरेंज करे जाते हैं पर्टिकुलर सीक्वेंस में उसका सीक्वेंस आपका फिक्स रहता है then it is known as nucleotide base sequence और ये study करेंगे जैसे कि हम बोलते हैं बात करते हैं हीमोग्लोबिन की हिमोग्लोबिन आपका मेरा जितने भी आपके ह्यूमन बींग्स है उसका जीन होगा उसका डीएनए होगा तो हीमोग्लोबिन को कोट करने वाला जीन का जो सीक्वेंस है आप बोल सकते हो कॉमन लैंग्वेज में हम बता रहे हैं स्पेलिंग है वो फिक्स है सब में मेरे में सेम होगी आपके में सेम होगी सपोज किसी को लिखना है कैट तो मेरी कैट की स्पेलिंग क्या अलग होगी आपकी स्पेलिंग अलग होगी नहीं सी ए टी कैट सिमिलरली हीमोग्लोबिन का जो जीन है उसमें जो न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस है वो क्या है आपके स्पेसिफिक हैं जब उनमें चेंजेस आते हैं जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन में भी चेंजेस आएंगे देन इट इज नोन एज जीन म्यूटेशन या फिर पॉइंट म्यूटेशन नेक्स्ट इसको हम लोगों ने दो कैटेगरी में डिवाइड किया है फर्स्ट वन फर्स्टिट्यूशन म्यूटेशन एंड अनदर वन इज फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन सब्सटीट्यूशन म्यूटेशन का क्या मतलब है सब्सटीट्यूट जैसे आपके घर में कोई आ रहा है आपको फिर से अगेन चाय बनानी है चाय की लिए आपके पास चीनी नहीं है तो आप चीनी का सब्सटीट्यूट क्या यूज करोगे नमक की गुड़

जैसे हम लोग किसी भी पर्टिकुलर स्पेलिंग को सेंटेंस को जो इंग्लिश में लिखा होता है रीड कर सकते हैं सिमिलरली हमारी सेल के अंदर जो सेल ऑर्गेनाइज बेस्ड हैं जो सेल के अदर पार्ट्स हैं डीएनए को रीड करते होंगे उसके अकॉर्डिंग फंक्शन करती होगी सेल हमारे सो so, यहाँ पे जो जब न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस के बेसिस में चेंजेस आते हैं तब जो फ्रेम है रीडिंग का फ्रेम है वो आपका बदल जाता है जो प्रोडक्ट होगा वो भी चेंज हो जाता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन तो वन बाय वन हम लोग सबको डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं तो पॉइंट म्यूटेशन या फिर जीन म्यूटेशन दिस म्यूटेशन अफेक्ट अ वेरी स्पेसिफिक पोर्शन ऑफ द डीएनए जीन सच एज न्यूक्लियोटाइड अब हम लोग इसको डिटेल में समझी लेते हैं यहां पर जो आपका डीएनए है डीएनए रिपीटिंग यूनिट से मिलके बना हुआ है ये चार तरह के रिपीटिंग यूनिट्स होती हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं ये जो हैं, इसके होते हैं पेंटोज शुगर ये सब में सारे जो चार टाइप के न्यूक्लियोटाइट है सब में सेम होती है पेंटोज शुगर पांच कार्बन की शुगर है जिसको जो डीएनए में जो है वो इट इज डीऑक्सी राइबो शुगर राइबो शुगर नेक्स्ट नाइट्रोजेनसपेस नाइट्रोजेनस बेसिस ये आपके चार टाइप के होते हैं जिनकी वजह से जो न्यूक्लोटाइड होते हैं वो आपके चार टाइप के हैं इटर्स ऑफ फोर टाइप्स एडन इन साइटोसिन एंड आपके चार टाइप के हैं एंड थर्ड कंपोनेंट इज फॉस्फेट ग्रुप फॉस्फेट ग्रुप जब ये तीनों जुड़ जाते हैं पेंटोज शुगर जो कि डिऑक्सीबो शुगर है नाइट्रोजनस बेस इन चारों में से कोई भी एक एंड फॉस्फेट ग्रुप तो पेंटोज शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप तो ये सब न्यूक्लोटाइट में सेम रहेगी ये सब में सेम होगा जब कोई चीज सेम है तो कैसे चार टाइप के बन जाएंगे ये डिपेंड करता है नाइट्रोजनस बेसिस पे कि कौन सा नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट है उस पर्टिकुलर न्यूक्लोटाइड में तो उसके बेसिस पे न्यूक्लोटाइड आपके कितने टाइप के हैं चार टाइप्स के हैं नेक्स्ट अब इन्हीं न्यूक्लोटाइड से आपका क्या बना हुआ है डीएनए बना हुआ है उसको भी देख लेते हैं पेंटोज शुगर सपोज मैंने यहाँ पे एक लाइन डायग्राम बना दे रहे हैं ये पेंटोज शुगर है पांच कार्बन की पेंटो शुगर इससे लास्ट कार्बन पे आपका फास्फेट ग्रुप अटैच्ड है एंड फर्स्ट कार्बन पे नाइट्रोजनस बेस पर्टिकुलर एक अटैच होता है ए टी जी सी में ए टी जी सी शॉर्ट में बोलते हैं एड्रेनिन गुआनिन थायमिन एंड साइटोसिन तो ये एक न्यूक्लियोटाइड है इससे फिर आपका यहाँ वाले साइड से दूसरा न्यूक्लियोटाइड अटैच होता है दूसरा और इससे यहाँ पे आपका नाइट्रोजनस स्पेस तो इस पैटर्न में ये सब अटैच हो जाते हैं तो डीएनए का एक स्ट्रैंड बनाते हैं सिमिलरली डीएनए का दूसरा स्ट्रैंड होता है तो डीएनए का डिटेल स्ट्रक्चर तो हम नेक्स्ट चैप्टर में स्टडी करेंगे यहाँ पे इतना याद रखिए कि जो जीन होता है जीन में जो ये न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है जैसे यहाँ पे एडनिन आ गया यहाँ पे थाइमिन आ गया तो ये पर्टिकुलर जीन में क्या होता है फिक्स होता है स्पेसिफिक होता है कोई भी प्रोटीन का अगर जीन है तो उसका सीक्वेंस आपका स्पेसिफिक होगा हर एक इंडिविजुअल में तो जब इस न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस में चेंजेस आ जाएंगे पर्टिकुलर प्लेस पे, वेरी स्पेसिफिक पोर्शन ऑफ द डीएनए डीएनए का वो पार्ट जो किसी प्रोडक्ट को क्रोट करता उसको है उसको डीएनए बोलते हैं इसलिए यहाँ पे लिखा है वेरी स्पेसिफिक पोर्शन दैट मीन दे आर टॉकिंग अबाउट जीन

ये जो सीक्वेंस है जो मैंने यहाँ पे बनाया ए टी ऐसे बहुत थाउजेंड थाउजेंड से थाउजेंड न्यूक्लोटाइट से एक स्पेलिंग बन सकती है एक सिक जीन बन सकता है रिपीट है कि किस जगह पे रिपीट है किस जगह पे रिपीट नहीं है तो उसकी वजह से आपका जीन बनता है उसके पास कोई इंफॉर्मेशन इस फॉर्म में कोड code, कोडेड होती है तो अगर जीन के न्यूक्लोटाइट के सीक्वेंस में चेंज आएगा सो एंड नेचर कैन अफेक्ट द एक्सप्रेशन ऑफ जीन एडवर्सली नेचर जो जीन का होगा वो जीन के जो फंक्शन है उसको एडवर्सली भी अफेक्ट कर सकता है

ए प्लेस बी प्लेस सी प्लेस डी प्लेस यहाँ पे चार बच्चे बैठे हुए हैं ठीक है 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 जिसमें से दो वाला जाता है, तो कहता कि मैं उठ के जा रहा हूं, कोई सामान लेने और अपने प्लेस को थोड़ी देर के लिए ऑक्युपाई कर लो या परमानेंटली ऑक्युपाई कर लो फिर अपनी प्लेस फ्रेंड को ही देंगे आ, किसी अजनबी को देंगे नहीं तो सब्सटीट्यूट हो गया ना सिमिलरली यहाँ पे जो डी एंड डीएनए है इसमें जो पर्टिकुलर प्लेस है पर्टिकुलर प्लेस मतलब जीन जहाँ पे लोकेटेड है वहां पे एक निक्लोटाइट जो था जहाँ पे एक किसी और को होना चाहिए था वो रिप्लेस हो जाता है दूसरे न्यूक्टाइट से दूसरा न्यूक्टाइड आ जाता है अब ये निक्लोटाइड कौन से टाइप का रहा है इसके बेसिस पे सब म्यूटेशन दो टाइप के हैं ट्रांजिशन म्यूटेशन एंड ट्रांसवर्जन म्यूटेशन इसको हम लोग अब डायग्राम से समझते हैं ये आपका एक जीन का पर्टिकुलर जीन का सीक्वेंस दे रखा गया है ऊपर वाला है नॉर्मल जीन ए सी 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 टी जी 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 ए जी ए सी टी ऑन इस तरह से कोई नॉर्मल जीन है उसका जो भी जो सीक्वेंस में अटैच्ड है उसको यहाँ पे लिख रखा गया है सो पॉइंट एट पोजिशन थर्ड ये जो थर्ड पोजिशन है अच्छा ये ये वाला जो सी है इसको हमने टी से रिप्लेस कर दिया तो so ये आपका ट्रांजिशन म्यूटेशन है अब आपको समझ में ही नहीं आ रहा होगा ये सी और टी है क्या जो हम लोगों ने अभी नाइट्रोजिनस बेसिस को देखा था नाइट्रोजिनस बेसिस इनको नाइट्रोजिनस बेसिस क्यों बोल रहे है? हैं क्योंकि नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंडस हैं और बेसिक है ये नाइट्रोजिनस बेसिस को दो कैटेगरी में डिवाइड किया है वन इज प्यूरिन एंड अनदर वन इज रिमेडीन ये क्यों करा

एंड जब आपका प्यूरिन प्रिमिडिन से या फिर प्रिमिडिन प्यूरिन से प्रे, प्यूरिन प्रिमिडिन से या फिर प्रिमिडिन प्यूरिन से जब सब्स्टिट्यूट होता है दैट मीनस ए और जो जी है ये सिर्फ ए टी से रिप्लेस हो या फिर सी से रिप्लेस हो सिमिलरली जी सी से रिप्लेस हो या फिर टी से रिप्लेस हो दूसरे दूसरे फॉर्मेट में हम इसको क्या लिख सकते हैं जी से रिप्लेस हो या फिर ए से रिप्लेस हो टी जी से रिप्लेस हो या फिर ए से रिप्लेस हो तो ये दोनों जो हैं, ये तो है ना और रिप्लेस हो रहे हैं आपके ये प्यूरिन से सिमिलरली जो प्यूरिन से जी है तो या तो टी से हो या सी तो से हो या ए है या तो टी से हो या सी ची से हो तो प्यूरिन भी आपके किससे रिप्लेस हो रहे हैं प्रिमिडिन से तब हम इसको क्या बोलेंगे

थामीन से या फिर थायमिन एंड साइटोसिन इससे हो या से सो दीस म्यूटेशन आर जनरली नॉट वेरी हार्मफुल एज दीस अफेक्ट ओनली वन पर्टिकुलर न्यूक्लियोटाइड यह सिर्फ एक न्यूक्लियोटाइड को अफेक्ट कर रहे हैं और रिप्लेस भी हो रहे हैं सो दस एक्सप्रेशन ऑफ अ जीन इज नॉट सीवियरली अफेक्टेड इनसे ज्यादा जो जीन का प्रोडक्ट होता है वो अफेक्ट नहीं होता है कैसे क्यों नहीं होता है ये हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में स्टडी करेंगे फ्रेम होता है वो आपका चेंज हो जाता है इन डीजेशनोटाइट इज इधर चीन चीन में पर्टिकुलर चीन में आपका या तो एक न्यूक्लोटाइड डिलीट हो गया है या फिर एड हो गया है इसको हम लोग फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन बोलते हैं ड्यू टू इंसर्शन और डिलीशन ऑफ अलोटाइट एन टायर फ्रेम ऑफ दमेशन बिकम्स इन जेनेटिक कोड आर कॉमेस का क्या मतलब है देख लेते हैं। सपोज यहाँ पे एक जीन का सीक्वेंस हम लोग लिख लेते हैं ए टी सी 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 अपने मन से लिख, मैं बना रही हूं ठीक ये आपका जीन है इसको रीड करेंगे तो हम हमें पता है कि इंग्लिश के अल्फाबेट्स को कैसे रीड किया जाता है सिमिलरली जो सेल के पार्ट्स हैं, उनको पता है कि कैसे इस को रोड रीड करना है ये तीन तीन के सेट में रीड होते हैं तीन तीन के सेट में इनमें बीच में कोई भी स्पेस नहीं होती है स्पेस मतलब यहाँ पे लिखा कॉमा तो, कॉमालेस ऐसा नहीं है कि जो हम लोग के जो वर्ड्स होते हैं उनके बीच में स्पेस होती है फुल स्टॉप होता है पता होता है कि हाँ ये दो वर्ड्स आपके सेपरेट हैं यहाँ पे सेंटेंस कंप्लीट हो चुका है तो या इनके केस में क्या है भाई सेल में अपनी इन्फॉर्मेशन को डिकोडिंग कोडिंग होगी अपनी तरह से तो ये जो सेट होते हैं न्यूक्लोटाइट के जो सीक्वेंस है वो तीन तीन के सेट्स में रीड होते हैं थ्री थ्री के सेट्स में तो अगर इसमें से एक न्यूक्लोटाइट या तो डिलीट हो जाए या फिर एड हो जाए ऐड हो जाए तो रीडिंग फ्रेम में क्या चेंजेस आएंगे इसी को ही लिख लेते हैं हम लोग अगर ये सी जहाँ पे ये बनाया है ये आपका डिलीट हो जाता है तो क्या बनेगा ए टी सी सी जी ए टी 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 ए जी सी सी अब रीडिंग फ्रेम क्या बनेगा पहले क्या था ए टी सी 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 ए एक ए कितना था ए टी सी फिर ये कितना था सी सी जी फिर ये इतना था फिर ये इतना था और आगे सो ऑन लेकिन अब अब क्या हुआ एक सी डिलीट हो गया तो अब क्या बना ए टी सी फिर टी जी ऊपर तो सी सी जी था फिर ऊपर तो A, T, T था फिर आगे क्या बना ए जी जी टी गए जिसकी वजह से आपका जो जीन का प्रोडक्ट था वो भी इफेक्ट होगा इट इज फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन एंड सेम जीन अगर एक न्यूक्लियोटाइड बीच में कहीं पे आ जाता है सपोज इसी प्लेस पे हम एक न्यूक्लियोटाइड को ऐड कर देते हैं सी के बाद ए को तब भी आपका रीडिंग फ्रेम चेंज होगा एक को ऐड किया अब रीडिंग फ्रेम पहले हम लोग इसको पूरा को लिख लेते हैं फिर रीडिंग फ्रेम को चेंज करते हैं एंड अब रीडिंग फ्रेम क्या हो गया जब एक ऐड हो गया कौन सा वाला ऐड हुआ है ये ऐड हुआ है ए टी सी ए सी सी टीजीए टी 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 ए जी जी एन सी तो ये जो रीडिंग फ्रेम एक्चुअल में था वो तो आपको येलो से ऊपर हाईलाइट किया वो तो डिस्टर्ब हो गया ना तो ये जीन का प्रोडक्ट भी चेंज हो जाएगा तो हिट इज म्यूटेशन लेट्स रीड इट अगेन इन दिस म्यूटेशन न्यूक्लियोटाइड इज इधर डिलीटेड और एडेड टू द डीएनए या फिर जीन में एड हो जाता है डिलीट हो जाता है डीएनए मतलब जीन की बात हो रही है

नॉर्मल जीन दे रखा गया है नीचे आपका म्यूटेटेड जीन दे रखा है अगेन ऊपर नॉर्मल एंड म्यूटेटेड इसका जो सीक्वेंस होगा उसके तीन तीन के सेट में हम ऊपर वाले को जो ब्रेक करते हैं वो नीचे वाले में देखिएगा ऊपर के के तीन तीन सेट्स क्या है ए सी सी देन सी सी टी दो कलर से मैं मार्क करती हूँ ए सी सी देन सी सी टी फिर ये तीन को छोड़ दिया ये तीन ले लेते हैं फिर एक दो तीन ये छोड़ दिया ये तीन ले लेते हैं फिर एक दो तीन ये देन ये और सिमिलरली बीच वाले सीक्वेंस को भी रीड करेंगे थोड़ा तो सा गैप एक साथ हो जाता तो इसलिए मैंने अलग अलग हाइट की ये इसका रीडिंग फ्रेम है लेकिन नेक्स्ट वाले में रीडिंग फ्रेम को आप चेक करिएगा ए सी सी की जगह अब आ गया ए सी ए देन आपका सी 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 टी जी जी ये आपका रीडिंग फ्रेम में डिस्टर्बेंस आ गई

तो म्यूटेशन तो हुआ लेकिन जीन के फंक्शन में जब इफेक्ट नहीं आएगा इट इज नोन एज साइलेंट म्यूटेशन तो समटाइम्स जीन म्यूटेशन इफेक्ट द थर्ड बेस ऑफ द कोडॉन थर्ड बेस कोडॉन का क्यों बोला गया यहीं पे थोड़ा सा बता देते हैं ये नेक्स्ट चैप्टर में ही है जो आपका तीन के सेट में कोड है ये तीन के सेट में पर्टिकुलर कोड बनता है तो ये इट इज मेनली कंट्रोल बाय स्टार्टिंग टू और लास्ट का थोड़ा सा चेंज तो इतना को करते हैं। प्रोटीन बनता है तो थर्ड बेस पे अगर यहाँ पे थर्ड न्यूक्लोटाइड के को, इसको हम पूरे को बोलते हैं तीन के को कोड ऑन अगर इसके थर्ड वाले में चेंजेस आते हैं तो इतना इफेक्ट नहीं होता है जो जीन का प्रोडक्ट होता है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे साइलेंट म्यूटेशन एंड ये जो हाइपोथेसिस दी थी वो किसने दी थी वोबल एक साइंटिस्ट है उन्होंने दी थी इसलिए हम इसको बोलते हैं वोबल वोबल हाइपोथेसिस या फिर बेस क्योंकि जो तीन के कोडॉन में स्टार्टिंग के दो हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं अगर चेंजेस थर्ड वाले कोडॉन पे आता है तो इतना इफेक्ट नहीं होता है जीन के सीक्वेंस में या जीन पे के प्रोडक्ट पे सो इट इज अ साइलेंट म्यूटेशन अगेन रीड दिस लाइन सम्स जीन म्यूटेशन अफेक्ट थर्ड बेस ऑफ अ कोडॉन

नॉन सेंस म्यूटेशन को थोड़ा सा समझते हैं यहाँ पे क्या होता है जो आपके कोडॉन है लाइन से रीड कर रहे हैं अगर आपके कोई सेंटेंस होता है मुझे पता है कि कहाँ पे रुकना है तो कैसे पता चलता है ये फुल स्टॉप वहाँ पे प्रेजेंट होता है ना सिमिलरली आपका कोई जीन इन्फॉर्मेशन आप कहाँ पे रुकना है डीएनए पे तो पूरे डीएनए पे हमने कहा था जो डीएनए होता है पर्टिकुलर जो सेगमेंट होता है डीएनए ये पूरा है बहुत बड़ा सा पर्टिकुलर पार्ट सेगमेंट ही तो जीन होता है उसको कहाँ पे रुकना है कहाँ पे प्रोटीन बनना बंद हो जाएगा वो कौन बताएगा स्टॉप के लिए वहां पे भी तो फुल स्टॉप होगा ना फुल स्टॉप के लिए कोडॉन्स होते हैं यू ए जी यूजीए यूए जी ये कोडॉन्स जहाँ पे प्रेजेंट होंगे वहां पे जो प्रोटीन की जो चेन बन रही होगी पॉलीपेप्टाइड की वो स्टॉप हो जाती है तो जब कभी ऐसा न्यूक्लियोटाइड में चेंज आता है अगेन ऐसा न्यूक्लियोटाइड में चेंज आ रहा है जिसकी वजह से स्टॉप कोडॉन वहां पे आ जा रहा है अब प्रोटीन आगे बढ़ ही नहीं रहा उसको बनना था पूरा यहाँ पे डायग्राम बना लेते हैं

अब ये यहाँ पे जो डीएनए का सीक्वेंस है उसमें चेंजेस आ गए उस चेंजेस की वजह से यहाँ पे स्टॉप कोडाउन आ गया और ये पूरी जो चेन बननी थी ये इतने पे ही रुक गई इतने पे ही रुक गई क्योंकि जो चेंज म्यूटेशन हुआ वो स्टॉप कोडाउन वहां पे आ गया स्टॉप कोडाउन की वजह से आगे चेन नहीं बन पाई इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे नॉनसेंस म्यूटेशन क्योंकि इमेच्योर प्रोडक्ट मिला ना जीन का पूरा कंप्लीट प्रोडक्ट जीन का नहीं मिला तो है Sometimes gene mutation affect the nucleotide in such a way that is converted into a termination codon मतलब कि खत्म होने वाला codon जैसे end वाला ending finishing line होती है। Such mutation causes the formation of an immature gene expression जो gene express हुआ था protein के form में वो immature हुआ क्योंकि पूरा बन ही नहीं पाया and therefore are called nonsense mutation। Next topic है हमारा significance of mutation mutation के importance क्या है mutation important भी है जरूर नहीं कि ये सिर्फ adversely affect कर रहा हो दोनों important भी हैं और adversely भी affect करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दीजन फर्स्ट है जेनेटिक so, वेरिएबिलिटी uh, जो एक दूसरे से हम लोग चेंज चेंज दूसरे से डिफरेंट है जीन नए नए कॉम्बिनेशन होते हैं जीन कैन देअ इन द डेवलपमेंट ऑफ अ न्यू करेक्टर सपोज अगर हम बात करते हैं uh, ह्यूम के केस में स्किन के कलर या आई के कलर की बात करते हैं तो आई के कलर का सबका एक ही जीन था अब किसी की आईज ब्लू है ब्लैक है ब्राउन है तो म्यूटेशन की वजह से ही उस पर्टिकुलर आई के कलर में जीन जीन में चेंजेस हुए होंगे जिसकी वजह से डिफरेंट कलर आए और वो डिफरेंट कलर आई के एक परसिस्ट भी कर रहे हैं ह्यूमन पॉपुलेशन में तो म्यूटेशन की वजह से ही एक जीन की बहुत सारी फॉर्म आई जिसको हम लोग क्या बोलते हैं एल बोलते हैं

यहाँ पे मैं बच्चों को एक एग्जाम्पल देती हूँ कि, कि हाँ ऑक्सीजन लेवल अगर कम हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन कंटेनिंग का कम्पाउंड का ग्रीन हाउस गैसेस का इमिशन ज्यादा हो रहा है तो एक टाइम बाद क्या हो जाएगा हम लोग की जो लाइफ है वो खत्म हो जाएगी मैं क्या बोलती हूँ कि जैसे जैसे धीरे धीरे ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है ना ग्रीन हाउस इफेक्ट का जो ग्रीन हाउस गैसेस है उनका अमाउंट एनवायरमेंट में तो जो नई जनरेशन आ रही है क्या पता उनके जीन में चेंजेस आ रहे हो कि वो हाँ ठीक है कम ऑक्सीजन मिलेगी पॉल्यूटेड एयर मिलेगी तभी वो सरवाइव कर जाए और चेंजिंग एनवायरमेंट लेकिन हाँ इसके लिए बहुत ज्यादा टाइम लगता है तो अडाप्ट हो रहा है हम उसी के अकॉर्डिंग जो हम हम का मतलब है ह्यूमन पॉपुलेशन या किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशन तो म्यूटेशन की वजह से ही ये अडाप्टेबिलिटी आती है ऑर्गेनिज्म

सिर्फ एनिमल्स में तो नहीं प्लांट्स में भी होता है तो म्यूटेशन टू बी वेरी इफेक्टिव इन क्रॉप क्रॉप्स में इंड्यूस किया जाता है कि हाँ भैया कोई अच्छी क्वालिटी मिल सकती है उस पर्टिकुलर क्रॉप की एंड बाई केमिकल म्यूटाजेंट्स जो म्यूटेशन कोज करते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं म्यूटाजेंस कैन प्रोड्यूस डिजायर चेंजेस इन द क्रॉप प्लांट सो दिस इज ऑल अबाउट